तो आज हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी की। सदर्न इंडिया में सेंटर्ड वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, जो एक महान इंपीरियल पावर थी। जानते हैं कैसे? चोलास वो थे जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपने साम्राज्य को एक्सपैंड किया था। और इसका कारण था चोलास की जबरदस्त नेवल पावर। किसी समय ओल्ड मैरीटाइम सिल्क रूट के जरिए इराक की अब्बासिद कैलिफेट से लेकर चाइना की टैंग डायनेस्टी के बीच ट्रेड हुआ करता था। इस पूरे मैरीटाइम रूट पर दो ट्रांजिशन पॉइंट थे, साउथ इंडिया पोर्ट्स और मलय पोर्ट्स, जिनका कंट्रोल चोलास के पास था। साथ ही इस समय नागापट्टिनम पोर्ट चोलास का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जो इंटरनेशनल सी ट्रेड का सेंटर होने के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी कंट्रोल करने में मदद करता था। इतने सारे ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल की वजह से चोलास को काफी टैक्स मिलता था, जिसका इस्तेमाल चोलास ने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने में किया। ठीक उसी तरह जैसे आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल करके अपने आप को पावरफुल बनाया था। एक अनुमान के अनुसार चोलास के पास उनके नेवी के पीक पीरियड में 600 से 1000 के बीच शिप्स हुआ करते थे।